remain a political potboiler. Bihar Chief Minister Nitish Kumar is all set to resign today, only to take oath as CM once again. The JDU Legislative Party meeting is going to be held at 10 this morning. Nitish Kumar will most likely resign after this meeting. Sources say that Nitish has sought time to meet the governor. The BJP, on the other hand, has decided to adopt a wait-and-watch policy until Nitish resigns. Also, sources say after he quits, BJP will hold a Legislative Party meeting, which would be followed by an NDA meeting. And after these huddles, both parties will go together to Raj Bhavan to stake claim to form the government. There is a possibility that the swearing-in ceremony gets postponed to Monday, and that's why BJP Bihar President has asked all its MLAs to camp in Patna till Monday evening. On the other hand, HAM has also held a legislative meeting on Saturday where Jitan Ram Manjhi has pledged support to the BJP. Sources say that HAM has asked for 2 ministerial berths in the new NDA cabinet. राज्य के विकास के लिए बहुत चीज को थोड़ी देर के लिए भूल जाना पड़ता है, तो ये अपने राज्य के विकास के लिए ये जरूरी जब पड़ता है, जब जरूरत महसूस होती है कि ऐसा करना जरूरी है, तो इस तरह का समय आता है और गठबंधन बनता है और गठबंधन बदलता भी है। लेकिन मैं अभी नहीं आपको कह रहा हूँ कि गठबंधन बदल रहा है, ये हमारा शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। हम लोग नीतीश कुमार है और कुछ नहीं, हम लोग नीतीश कुमार है, जदयू का क्या विधायक नीतीश कुमार है, नीतीश कुमार जैसा कहेंगे वैसा करेंगे हम लोग, और कुछ नहीं। अब जानते हैं हम लोग नीतीश कुमार, कुछ नहीं, नीतीश कुमार राजद नेतृत्व बेचैन है। बेचैनी का कारण साफ है कि चूंकि इन लोगों की आदत में शुमार रहा है नौकरी के बदले जमीन लेने का। 2,15,000 शिक्षकों की बहाली जो तय सीमा में माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हुआ, जिसमें न पदस्थापन में चल पाया न नौकरी देने में चल पाया, तो स्वाभाविक है अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं। अनर्गल प्रलाप पर रोक लगाइए, वरना अंजाम इसका राजनीति में बेहतर नहीं होगा। नेतृत्व का निर्णय जो भी होगा, पार्टी का हर कार्यकर्ता एक सैनिक की तरह, एक सिपाही की तरह अपने कमांडर के आदेश को मानता है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि अभी खेला बाकी है। अरे वो तो खेला ही खेला के अलावे जाने हैं क्या, वो खेला के अलावे और जानते क्या है? बिहार के अंदर अपराध भ्रष्टाचार का वातावरण बनाने में किनकी भूमिका रही है सब जानता है ना। हम बिहार की सबसे बड़ी राजनीतिक दल है और हम बिल्कुल सजग है, और हमने बदलते हुए राजनीतिक परिस्थिति पे हमारी पूरी सजग नजर है, और हम अपना दायित्व निभाने में कभी पीछे नहीं हटेंगे। बिहार को जंगल राज के हाथ में नहीं छोड़ सकते। अगर ये सरकार गिरती है तो हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि कल की जगह आज ही गिर जाए। बिहार को लेकर के ये खबर आप कहां से दे रहे हैं कि बिल्कुल सब कुछ कंफर्म हो चुका है? अभी कोई आधिकारिक बयान तो आया नहीं, तो जब तक आधिकारिक कोई बयान ना आ जाए तब तक बिहार की राजनीति में कब, क्या, कैसे, क्यों, कहां होगा, इस पर कोई कुछ नहीं कह सकता। बिहार बहुत अप्रत्याशित फैसले करता है, हो सकता है आपको अगले 1-2 दिन में कुछ और चौंकाने वाला देखने को मिले। ना नीतीश जी ने इस्तीफा दिया है, ना किसी ने समर्थन वापस लिया है, तो पहले कोई बात होती है तभी तो कोई जानकारी होगी। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह आस्था करती है अपने नेतृत्व आदरणीय नरेंद्र मोदी जी में।